वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन कनाडा। और आज हम बात करेंगे अबाउट रिपेयरिंग द गैस रेंज। तो आप देख रहे हैं किचनेट की गैस रेंज हमारे घर में, विच इज 5 years old। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसका ये नॉब जो है ये स्टक है। जस्ट लाइक आप ये वाला नॉब देख सकते हो, इसको मैं फ्रीली घुमा सकता हूँ, ये वाला नॉब स्टक है। और इसका रीजन क्या होता है कि इसके पीछे एक पार्ट होता है सर्फेस बर्नर वॉल्व, ये स्टक हो जाती है। ये डायरेक्टली गैस लाइन से कनेक्टेड होती है और इन केस अगर आप इस पर प्रेशर डाल के उसको घुमाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी और गैस लीक हो सकती है। टिपिकली एक सरफेस बर्नर वॉल्व रिपेयर करवाने का जो एक्सपेंस है वो अराउंड $500 है, जिसके अंदर 250 आपके पार्ट का है और 250 लेबर होती है। सो इट्स बेटर कि आप इसको खुद ही रिपेयर कर लें। इसको रिपेयर करने में रफली 15 से 20 मिनट्स लगते हैं, जिसमें आपको गैस का ये फ्रंट पोर्शन टेकआउट करना होता है, लाइन डिस्कनेक्ट करनी होती है, इसको निकाल के रिप्लेस करके वही सीक्वेंस में वापस इसको बंद करना होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपने गैस के अंदर जो गैस कनेक्शन आ रहा है उसको ऑफ करना है। उसके लिए आपको ये लाइन के परपेंडिकुलर अपने रेड नॉब को करना होगा, जैसे आप देख सकते हैं। और दूसरा, मैंने यहाँ से ये प्लग को भी डिस्कनेक्ट कर दिया है, ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है। ओके सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे सरफेस बर्नर वॉल्व ये होती है। तो इसके अंदर आपको मॉडल नंबर और इस मशीन का मॉडल नंबर और इसका मॉडल नंबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मशीन के मॉडल नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप गैस रेंज के पीछे देखोगे अक्सर एक ऐसा लैच आपको मिलेगा जिसके अंदर आपका यहाँ पे वर्लपूल या जो भी आपका ब्रांड होगा और यहाँ पे मोडम एंड सीरियल नंबर होगा। इसके बाद ऑनलाइन दो साइट्स हैं जो मैं नीचे कमेंट्स में भी डाल दूंगा, एक है रिपेयर क्लिनिक और एक है पार्ट सिलेक्ट। ये दोनों साइट में से आप किसी से भी बाय कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन चीप दे रहा है, क्योंकि ये दोनों साइट्स ही आपको एक साल की वारंटी देती है और इनकेस आपका पार्ट कुछ फॉल्टी होता है तो ये रिपेयर भी करते हैं। पार्ट सिलेक्ट मैं रेकमेंड करूंगा क्योंकि वो सिर्फ 2 दिनों के अंदर आपको पार्ट शिप भी कर देते हैं। तो वहां पे जाके आपको अपना ये मॉडम और सीरियल नंबर डालना होगा और उसके बाद आपको सरफेस बर्नर वॉल्व दिखा देगा। तो उसमें आपको डिपेंडिंग, अगर जैसे मेरे केस में मेरी राइट रियर डैमेज्ड है तो मैं राइट रियर डालूंगा, इनकेस आपको सेंटर डालना होगा तो आप राइट सेंटर डालेंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि इन दोनों की वोल्टेज रीडिंग डिफरेंट है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं गया था, मैंने ये अपने पार्ट्स वार्ट्स डाल के ये बाय कर लिया वहां से। सो फ्रेंड्स, हमको इसके लिए 2 टूल्स ही चाहिए, एक एडजस्टेबल रेंच क्योंकि अंदर 2 गैस पाइपलाइंस होती हैं जिनके लिए आपको ये रेंच चाहिए होगी और आपको डिफरेंट साइज चाहिए होगा, और एक ड्रिल मशीन। आप ड्रिल की जगह स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हो बट मेरे को ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, इसलिए आई विल बी यूजिंग दिस। नेक्स्ट, हमने इस गैस को खोलना कैसे है, तो यहाँ से मैंने सारे नॉब्स निकाल दिए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक स्क्रू है, सिमिलरली यहाँ पर एक दूसरा स्क्रू है और यहाँ पे तीसरा ब्लैक स्क्रू है। तो हमने तीनों स्क्रूज को डिस्कनेक्ट करना है। सेम अगर आप गैस रेंज के नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 स्क्रूज हैं, इन 3 स्क्रूज को आप डिस्कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ये करेंगे डिस्कनेक्ट, ये पूरा पोर्शन बाहर आ जाएगा और अब जैसे जैसे मूव करते जाएंगे मैं आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा। फ्रेंड्स, मैंने नीचे के स्क्रूज निकाल दिए, मैं ये ऊपर के स्क्रूज आपके सामने निकाल रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट स्क्रू, ये मेरा सेकंड स्क्रू, एंड ये मेरा थर्ड स्क्रू। तो फ्रेंड, जैसे आपने देखा मैंने अपना फ्रंट पोर्शंस कर निकाल दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारे को ये गैस कनेक्शन को रिलीज करना है, जिसके लिए मैं अपना एडजस्टेबल रेंच को इसके ऊपर एडजस्ट कर लूंगा और ये बहुत स्मूथली ओपन अप हो जाता है। इन केस अगर आपका काफी पुरानी गैस है, आपने कभी खोला नहीं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो एक बार ये हो गया, इसके बाद हमने इसको यहाँ से रिलीज कर देना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि गैस कनेक्शन आपका बंद हो जाए। नेक्स्ट फ्रेंड, हमने यहाँ से ये वाला स्क्रू और सेम इस साइड से ये वाले स्क्रू को अनस्क्रू करना है। मैंने इनको अनस्क्रू कर दिया, अब हमें इस कुक टॉप को लिफ्ट करना होगा और इसके नीचे एक सपोर्ट रख देना होगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हमारे को ये वाली गैस पाइपलाइन जो आप नीचे से देख सकते हैं इसको रिमूव करना है, जो फिर से हम अपने एडजस्टेबल रेंच से करेंगे। इसको जैसे हम रोटेट करेंगे तो रिमूव हो जाएगी और फिर हमें ये पार्ट निकालना है। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप वही है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अनस्क्रू कर दिया है, अब बस मैं इसको कम्प्लीटली बाहर कर दूंगा। तो हमने ये अनस्क्रू कर दिया है यहाँ पे, अब हम यहाँ से इस प्लग को रिमूव कर देंगे
और हमने ये टॉप के क्लैंपिंग ब्रैकेट से इस पूरे सिस्टम को डिटैच कर देना है। उससे पहले मैं एक बार इसको भी रिमूव कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं ये पार्ट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हमने परचेज किया है। हमने बस इस क्लैंपिंग स्क्रू से इसको डिस्कनेक्ट करना है। सो मैंने अब यहाँ पे ये नया क्लैंपिंग स्क्रू लगा दिया है। अब मैं इसकी बस एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। एक बार ये एडजस्ट हो जाएगा तो आप इसको बस आपको सिर्फ स्क्रू टाइट करना और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब इसके बाद हमने नीचे से अपनी गैस लाइन को सिक्योर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको फिर हमने अपने एडजस्टेबल रेंच से टाइट कर लेना है। इसके बाद अब हमने वापस अपने प्लग को कनेक्ट कर देना है और अपने पैड को लगा देना है। जब ये एक बार हो जाए तो आपको ये हटा के इसको वापस अपनी जगह पे सेट करना है। और अभी हम अपने ये स्क्रूज दोबारा लगाएंगे। एक बार ये लग जाएगा फिर हम अपनी गैस लाइन को वापस कनेक्ट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे सारे कनेक्शंस टाइट कर दिए हैं। अब हमें एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो टेस्ट करने के लिए मैंने पीछे से गैस ऑन कर दी है, उसको पावर से कनेक्ट कर दिया है और अब लेट्स डू द टेस्ट। सो ओह, इट वर्क्ड। तो फ्रेंड्स अब मैंने ये वापस अपनी जगह पे लगाना है। इसको लगाना बहुत ही सिंपल है, आपने बस इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है कुछ इस तरह कि आपके सारे नेल्स अलाइन हो जाएं। और अब हम बस इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइटन कर देंगे इसके स्क्रूज और फिर अपने नॉब्स कनेक्ट कर देंगे। सो अब मैं वो करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स अब मैं बस ये फाइनल स्क्रूज टाइट कर रहा हूँ। एक एडवाइस आपको यही दूंगा कि जब भी आप इसको अनस्क्रू करें तो हमेशा चेक कर लें कि वो स्क्रू कैसे है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सारी मिसअलाइनमेंट होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमने जब निकाला था उस टाइम पे वो कैसा था और जब लगा रहे हैं तो उस टाइम पे किस पोजीशन में हमें लगाना है। तो इसकी वजह से काफ़ी मिसमैचेज होते हैं, फिर कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए जब भी आप करें तो एक बार पहले या तो फ़ोटो खींच लें या ड्राइंग बना लें और दैट्स इट। अब मेरी वाइफ है जिसका स्टार्ट करेगी, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। वाओ, इट वर्क्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और मैं और भी ऐसी वीडियोज डालता रहूँगा जो न्यू कमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक्स।